गाइस हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आर के बारे में, जो कि पोस्टपोन हो चुकी है। अब वो इस साल अक्टूबर के महीने में रिलीज नहीं होने वाली है। ये अब अगले साल रिलीज होगी, कब होगी किसी को भी नहीं पता। बहुत लोग मतलब यूट्यूब पे बता रहे हैं कि ये फिल्म 26 जनवरी के मौके पे रिलीज होगी 2022 में, तो ऐसा कुछ नहीं। ट्रिपल आर के केवल टीम ही को पता है कि ये फिल्म कब रिलीज होगी और किस टाइम रिलीज होगी। अभी इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं, और जो प्रमोशन चालू था वो भी रोक दिया गया है, क्योंकि इसका प्रमोशन कुछ टीजर या पोस्टर आते ही रहता था, लेकिन 15 अगस्त के दिन कुछ भी नहीं आया। इसीलिए बता रहे हैं कि ये फिल्म अब पोस्टपोन हो चुकी है, क्योंकि एक देशभक्ति फिल्म है, बहुत बड़ी देशभक्ति फिल्म है, तो 15 अगस्त के दिन कोई पोस्टर ना आना, इससे यही लगता है कि ये फिल्म पोस्टपोन हो चुकी है। अब देखते हैं ट्रिपल आर से टीम से कौन सी नई रिलीज डेट निकल के आती है। किसी का मानना है कि ये फिल्म होली के मौके पे आएगी, मार्च में रिलीज होने वाली है, तो देखते हैं कब आती है। मार्च में रिलीज होती है, 26 जनवरी पे रिलीज होती है, या तो फिर ईद के टाइम, ईद के एक हफ्ते बाद रिलीज होती है, जिस टाइम SS राजामौली अपनी फिल्म बाहुबली 2 रिलीज किए थे। तो देखते हैं ये भी फिल्म वो अपनी उसी टाइम रिलीज करते हैं या कब रिलीज करते हैं। इससे जुड़ी जो भी अपडेट आती है ना, आपको सबसे पहले ला के देंगे। और इसमें हीरो हैं रामचरण, जूनियर NTR, आलिया भट्ट, अजय देवगन। बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है इंडियन सिनेमा के लिए, तो देखते हैं नई रिलीज डेट कब आती है। तब तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अफवाह न्यूज़ फैला रहे हैं, उस पर कुछ भी ध्यान न दीजिएगा। जैसे जो भी कन्फर्म अपडेट आती है हम आपको 100% सही अपडेट ला के देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय।